हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपको स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे पुलिस की, जिसको देखकर आप खुद कहेंगे कि वाह, मुझे पुलिस बनने पे बात गर्व हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं इस वीडियो में आज आपको वास्तविकता बताऊँगा कि पुलिस आखिर होते क्या है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप DM नहीं बन पाए, नो प्रॉब्लम। SDM नहीं बन पाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप बहुत बड़े उद्योगपति नहीं बन पाए, नो प्रॉब्लम। यार, आप मतलब कि बड़ी बड़ी नौकरियां ना पा करके आप पुलिस बने हैं, आज आपको आपकी वास्तविकता मिलेगी कि आप कौन सी नौकरी पाए हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं साफ साफ बताऊंगा कि जिस पुलिस को लोग कहते हैं कि ये पुलिस काम की नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस बकवास है, आज उसकी असलियत आपके सामने आएगी। TV में ये सब फिगर नहीं दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि TV पर तो हिंदू मुस्लिम का डिबेट चल रहा है कि मस्जिद में किसने का किया और मंदिर में किसने मूर्तियां स्थापित की। तो इस स्थिति में TV पे तो सिर्फ व्यूज का मतलब होता है, TRP का मतलब होता है कि किस पे किस मुद्दे पे ज़्यादा लोग TV देखते हैं, लेकिन असलियत जो है, जो असली हीरो हैं इस धरती के, उनके विषय में नहीं बताया जा रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज जो वीडियो मैं आपको बनाया हूँ स्पेशली आप सबके लिए। आप लोग कहेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश का पुलिस हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। ठीक है, अपने आप को आज आप बहुत ऊपर महसूस करेंगे। और देखिए, ये पुलिस वाले हैं, बताइए, देखो, एक एक गरीब आदमी को खाना पहुँचा रहे हैं। बताइए, क्या कोई बड़ा हीरो आया यहाँ पे? नहीं आया। कोई बड़ा उद्योगपति नहीं आया, कोई DM SDM नहीं आया, सिर्फ पुलिस वाले आ रहे हैं। ठीक है, और तमाम लोग जितने भी होते हैं, लेखपाल आए नहीं आए, तहसीलदार नहीं आए, कौन आ रहे हैं? सिर्फ पुलिस वाले आ रहे हैं, जो आकर के एक एक गरीब का ख्याल रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में यही तो मुख्य जो है वो कार्य होता है पुलिस का, कि आपने अपने आप को कितना अच्छा महसूस करेंगे ये सब देखकर। ठीक है, और भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, दिलचस्प तस्वीरें दिखाऊंगा, जिसको देख करके आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। ठीक है, और आप खुद कहेंगे कि बहुत जल्द मैं भी ऐसा ही काम करने वाला हूँ। चलिए दिखाते हैं और तस्वीरें आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस वाले हैं, ये रिक्शा वाले जो रिक्शा चलाते हैं ना, गरीब बेचारे दिहाड़ी वाले काम करने वाले, यहाँ पे पुलिस जो है उनको पैकेट में खाना दे रही है, भोजन दे रही है। ठीक है, ऐसी स्थिति में और अपनी जान की बाजी लगा करके सड़कों पर उतर करके रात दिन एक काम कर रही है। चलिए और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। आप देखेंगे यहाँ पुलिस जो है गाँव में जा करके, यहाँ पर देखिए जो बेचारे जिनको मतलब कि नहीं है खाने पीने की व्यवस्था, उनको भोजन वगैरह प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, मैं तो सोचता हूँ काश काश ऐसे पुलिस वाले जो है, मैं भी इसी में होता तो आज सेवा करने का मिलता। ठीक है, लेकिन अब बात समझ रहे हैं ना, सब कुछ आपके सामने है, आप लोग भी अभी इस सेवा को नहीं करने के लिए पा रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग भी पा जाएंगे सेवा करने के लिए। ठीक, समय आने दीजिए। जिस पुलिस वाले को लोग कहते हैं कि हमेशा देर में आती है, हमेशा टाइम से बाद में आती है, यहाँ पे देखिए झुग्गियों में रहने वाले, सड़कों के किनारे जो रहते हैं, उनको उनके पास तक जाकर के लेडीज़ पुलिस भोजन प्रोवाइड करा रही है। ये सब तस्वीरें दिल को खुश करने वाली हैं, सुकून वाली तस्वीरें हैं, जो कोई नहीं दिखा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए घर घर में जाके बोरी से बोरी भर करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक गरीब को ख्याल रख रही है। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं देखा जा रहा है कि ये पुलिस वाले की कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है। ठीक है, सभी के पास सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, बिल्कुल ये देखिए सड़कों पे जो मज़दूर हैं उनको भी अपना पुलिस जो है भोजन ला करके दे रही है, केले ला के दे रही है, सेब ला के दे रही है। बताओ कितना अच्छा काम है, यही मुख्य धर्म है। ठीक, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मजदूर है, लेकिन इसी बीच कुछ दानवीरों का जो फिगर है वो भी आया है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। तमाम लोग जो है PM केयर फंड्स में दान दे रहे हैं, अमीर लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको लोग अलग अलग नज़रिए से सोच रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको गलत तरीके का उपयोग किया जाएगा, लेकिन सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, लोग दान भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब किसी अच्छे काम के लिए ही दे रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 लाख रुपये का कोई भाई साहब थे दान दिए थे। ठीक, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 1 लाख रुपए का दान दिया। मुझे पता है आप लोगों ने भी दान दिया है, कई लोगों का फ़ोटो मेरे पास आया था, कोई 551, कोई 151, कोई 1051, तो इससे बिल्कुल
मुझे आप पे भरोसा है कि आप लोगों ने भी दिया, जिसके पास जितना होगा भाई उतने देगा, सिंपल सी बात है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये तमाम फिगर्स हैं यहाँ पे, आप देखिए पुलिस वाले हिंदू मुस्लिम का देख नहीं रहे, आप देख सकते हैं बस्ती में गई है और मुस्लिम परिवार को भोजन दे रही है, ठीक है। तो रियल हीरो ये हैं, ना कि टीवी पे बैठकर हिंदू मुस्लिम का डिबेट जो कर रहे हैं वो हैं, ठीक है। और ना ही बताओ इस स्थिति में सिर्फ दो लोगों के अलावा, दो लोगों के अलावा अपनी ज़िंदगी के दाव लगाकर कौन खेल रहा है बताओ। एक डॉक्टर जो कि भगवान का रूप जिसे माना ही जाता है, और दूसरा ये पुलिस वाले जो गली गली में जा कर के भोजन लेकर जाकर दे रहे हैं। बताइए अभी मैं दिलचस्प बात बताता हूँ कि हमारे गांव में लगभग 15 से 20 लोग आए थे, जिसमें से 10 लोग बस से आए थे, बाकी 8-10 लोग जो है ट्रक से आए थे। तो हमने खुद ये जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस आई थी कल हमारे यहाँ और बोली है कि आप लोग मतलब जो बाहर से आए हैं वो ये बिस्तरा अपना बांध लीजिए, कल आपको आपके प्राइमरी स्कूल जो है ना वहीं पर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, 14 दिन के लिए वहाँ पर रखा जाएगा। तो आज 10 बजे पुलिस आएगी। ये सब तमाम बातें हैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि भविष्य में चल करके आप लोग भी अपने आप को अच्छा महसूस करें और इस बात से कि गर्व महसूस करें कि आपका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। यही मुख्य मकसद था, तो बस इतनी सी आपको खास जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो बिल्कुल लाइक शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपसे रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेडीज़ पुलिस, देखिए कितना आगे है लेडीज़ पुलिस हमारे यहाँ की। देखिए दाल चावल दे रही है गरीब परिवार को जा करके गाँव में, ठीक है। बिल्कुल सब सब भाई लगे हैं पुलिस वाले, ऐसा नहीं है कोई नहीं लगा, सब लगे हैं। हाँ जिस पुलिस वाले को लोग गलत बोलते थे वो आप नहीं, आप बताइए गलत नहीं बोलते थे, गलत नहीं बोलते थे अरे इसका तो चयन पुलिस में हो गया, पुलिस का नौकरी मतलब कुछ भी नहीं, तमाम लोग बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस का मतलब कुछ नहीं होता, अब यही तो होता है, यही परमो धर्म है, इंसानियत की सेवा करना, इंसान की सेवा करना परम धर्म है और यही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक। आज देखिए पुलिस का नाम चारों तरफ हो रहा है। तो बस इतनी सी जानकारी देनी थी, आप लोग जो है मेहनत करिएगा आगे चल करके, गलत काम नहीं इसी तरह से काम करिएगा, और ताकि बताने में गर्व महसूस हो, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतनी सी जानकारी देनी थी।